महादेव है ना मैम, मैं महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अनुज मित्र बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल पूर्णतया संस्कृत मित्रों के लिए समर्पित है। इस चैनल में केवल संस्कृत की बातें होती हैं, जो हमारे कंपटीशन में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं उससे संकलन होता है। तो इसी क्रम में हम लोग आज मौसम के विषय, मौसम के नाम संस्कृत में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर, लाइक कर और शेयर करें। यदि पुराने हैं तो इसे लाइक करके जरूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं मौसम, संस्कृत में मौसम के नाम की ओर। तो सीजन्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीजन्स। तो यदि पहला आता है बसंत, जो 15 मार्च से 15 मई में प्रारंभ होता, 15 मार्च से 15 मई तक रहता है बसंत। दूसरा ऋतु हमारा है ग्रीष्म, जो 15 मई से 15 जुलाई तक रहता है। फिर वर्षा, ये 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहता है इसका मौसम। फिर शरद, ये 15 सितंबर से 15 नवंबर तक। फिर हेमंत, 15 नवंबर से 15 जनवरी। फिर उसके बाद जो है हेमंत के बाद आता है शिशिर, इसको जाड़ा कहते हैं, 15 जनवरी से 15 मार्च। तो एक बार फिर देख लें ये सारे वर्षा सीजन्स। वसंत 15 मार्च से 15 मई, ग्रीष्म 15 मई से 15 जुलाई, वर्षा 15 जुलाई से 15 सितंबर, शरद 15 सितंबर से 15 नवंबर, हेमंत 15 नवंबर से 15 जनवरी, शिशिर 15 जनवरी से 15 मार्च। महीनों, मौसम के नाम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग महीनों के नाम से मिलेंगे, संस्कृत महीनों के नाम जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए महादेवाय नमः, नमः संस्कृताय, सुप्रभातम, सुभ संध्या। शीघ्र ही मिलते हैं महीनों के नाम के साथ। धन्यवाद।